पढ़ लिख जे हो तो कछु बन जे हो, ना ढोराई चलात फिर हो जैसे तुम्हारे बाप फिर रहे। 24,000 की साल लग रही है भैया, तनक ध्यान रखो पढ़ाई को। जैसो जैसो हम पढ़ा रहे हैं पढ़ जाइयो चुपचाप। जो स्थिर नहीं है ओखो अपन कहें अस्थिर। ठीक है ठीक है। नहीं बको, जो स्थिर नहीं है, जो स्थिर नहीं है वो कहे है अस्थिर, वो कहे है अस्थिर। उत्तेजित करने वाला, उत्तेजित करने वाला का कहानो सलाजी अमेजोन पे मिला अच्छी कंपनी को, कल जिग्गू के चाचा ने मंगवाओ तो। गांव में किसको सलाजीत की जरूरत है, किसको बाबा सीर है तुम्हें सबरो पतो है। मनो किताब में काले खोजो पतो नंगे सूत्री के। चुप सूत्री के जाना टन्ना टन्ना बताओ सो, हमने झरिया लाल करके पुनाल पे चिपका दई। ए भैया ए हमारे पे चिपका ली और एक बाप की पे चिपका दी, मनो मोड़ा ही बख्श दियो के तन तन सी है। ए भौजी गलती हो गई, मनो वो पढ़ रहा तो आर से समझा रहे थे। तो समझा भी को तरीका तनक दूसरो देख लेते भैया, तुम नाजुक जगह डमा चिपका रहे। बताओ आज तो कछु नहीं है, मनो कल के दिन आऊ की बहुआ है, सुबह पूछे सवाल जवाब करे, जवाब कूदे है तुम नहीं होगा। परमेश्वर ही में कौन सा सवाल जवाब हो रहा हूँ। अरे जब वो की लोग आई देखे कि इतनी खास जगह जो डमा कौन ने चिपकाओ, ए बेचारो वो जवाब ने दे पे, सो तो उनकी लड़ाई हुई है, तलाक हो जाए, मामोड़ा रड़ुआ हो जाए। अरे मामोड़ा रड़ुआ होगा। ए चुप, मामोड़ा को ब्याह हो जाए बड़ी बड़ी बात है। हाल वो पढ़ा रहा है तनक लिखा दे रहा है तो तनक कछु बे बनिए है। तुम पढ़े लिख लो अच्छे से, चल भीतर पढ़ा दे। हे भगवान, अब तो बस एक ही चाहना है, जैसो तुमने अस्सू के पापा को बुला लो चलत फिरत, ऊसा ही हमें बुला लीजू। लेकिन अब इन्हें बुला लीजू, अबे तो हमने देखो ही कहा है, हम तो 10-15 साल बाद की बात कर रहे हैं। अबे तो हमें सलमान खान की बारात में जाने और बस सिंगम 3 मूवी आई है, बाहम आओ इंतजार कर रही, और हो सके तो नाती पंती संती सब कछु दिखा दीजू। लियो जल्दी जल्दी में एक चीज तो मांग वो भूल ही गए कि हमारे अस्सू के लाने अच्छी सी नौकरी और दे दियो, जे में उको एक अच्छी सी मोड़ी से ब्याह हो जाए। अब हमा बड़ो मोड़ा बेचारो भोलो भालो मासूम, ओके तो कर्म ही फूट गए, ओखो तो मिल गई बा भैंसिया, अब्बा कर है ओए ओए, और हमा मोड़ा के कया है कया है, साचो करम फूट गए रे हमारे मोड़ा के। करम उनके नहीं, करम फूट गए हमारे। और बाई शरम कल्लू शरम, तुम भगवान के सामने बैठ के कैसी है बतिया रही, और हमारी मताई सही केत है, हीरा की परत केवल सुनार खो रही थे, मटका बनावे वाले कुमार खो नहीं। तोरो मतलब का है कि तू हीरा है और हमें हीरा की पहचान नहीं है, हमने अपने जिबार पाउडर लगा के सफेद नहीं करे, जा उम्र और तजुर्बा की सफेदी आए, हम उड़क चिड़ैया के पंख गिन ले, फिर तो तू हमारे घर में बंदी भैंसिया आए। देखो भाई बाकी सब तो गाँव चूल्हे में, मानो तुम हमसे भैंसिया नहीं कह सका। अच्छा नहीं तो का केवे तुमसे तितली या फुरफुर उड़वे वाली चिड़ैया, एना में देख कब खा खा के फटवे वाली है, जोन ने ब्याह करके आई थी सो ऐसी लगत थी आज मर रही के कल, और अब लग रहा मुंह के दूसरे दोनों ने फूलने पड़े। तो भाई हम सो ये तई खाते हैं जितना तुम खाते हो और तुमसे कमाई खाते हैं, अब तुम नहीं मुटा रही सो हम का करें, और वैसे भी तुम्हें तो यही चिंता लगी रेत के जाए ती का मुटा रही सो तुम नहीं मुटा पा रही। देख तो कितनी चिरत्तर कर रही, अगर हमें खावे पीवे की चिंता रेत होती तो हमारे जो दो मोड़ी मोड़ा है सही ने पल जाते। अरे बुआ कौन खो समझा रही तुम, भैंस के आगे बीन बजावे से कछु मतलब न करत है, अब बताओ तुम्हारे घर में तुम्हें को हिसाब देने पर रहा हो कि तुम कितो खा रही कितो पी रही। लेकिन बुआ ये सब में तुम्हारी गलती है, हम तुम्हारी गलती मान है, हमने तुमसे कितनी बार कही है कि लगाम लगा के रखो, मनो तुम यही में फूली रेत कि हमारी बहू आए हमारी बहू आए, और अब देख ले अब बहू मूल पे नच रही है, सबकी बहुए होत है मनो ऐसी नहीं होत। अब बताओ
कल की आई लोग आई तुम आओ खाबो पीबो गन रही। अबे बीबुआ वक्त है, हम तो कह रहे लगाम को टाइट रखो, अगर लगाम एक बार छूट गई तुम डरी रहे हो पलका पे और बहू कर है राज, तुम बिल्कुल कच्चू ही न कर पे हो। बहुत हो गई बेटा, अब जो हम चाहें बोई हुई है घर में। अब फिर मग रहा है बहू कौन नई नौटंकी, चल के देखने पड़े। चार एकड़ में इतनी सी मकान निकली है, इस बार बहुत भयंकर घाटो है। अरे तो कई तो हती के सोयाबीन बहो सुड़ी से मका बो आ गई, अब टो 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 लगाए हो सवेरे से। हाँ सो सोयाबीन बारे भी भैया घाटे में है, बे थोड़ी लखपति बन गए। लखपति भलाई नहीं बने मनो, लगत कम लगी है। कैसी लगत कम लगी? ने उनके लाने यूरिया धरवाने पर आए, ने उनको खाद धरवाने पर हो, न एक एक आदमी करके भुंटा टरवाने पर आए, और बाद में रोटर वेटर भी न चलवाने पर है। हाँ सो उनके हाथ में भी कछु नहीं आवा है, बेबी धरे फिर रहे दो दो तीन तीन हजार रुपये एकड़ में। हाँ सो अपन हो का मिल गो, 8,000 रुपये एकड़ की मका तो न करे आई, सोयाबीन में भाई धरे रहते 3,000 रुपये। करल लगे बात है, करने ने धरने अकेली बता लगे, तो इसमें फायदा है तो उसमें फायदा है। जज्जू ने कहूँ शाम को ट्राली भरवाओ, बिकवे जाने हैं। हाँ भरवा दे हैं मनो, अबे रोटी खा लो, हम अलग अलग रहो है। एक तो ये घर में ऐसा है कि खावे की आज क्यों परो मिल है, मुत के जने हैं यार भाई घर में, और ऊपर से तो सब रो काम, अब 6-7 जनों को भोजन बनवे में टेन तो लग है यार है? अरे गलती हो गई बड़े बच्चा, देख ना पाए थे हम तुम्हें, तुम्हारे सामने तुम्हारी लोग आई कि हमने बुराई कर दी। अज्ञा अर्थ को अनर्थ ने नकारो यार प्यारे, ए अब वो टाइप की हमने बातें ही नहीं करी, तुम्हारे जा सोचल लगत के हम लोगाई की पक्ष ले रहे हैं। लोगाई की पक्ष नहीं ले रहे हम, वो हर औरत जात की पक्ष ले रहे जो काम करत है। अब लगता है भाई साहब टाइम से कह रहे तन्नक में मिर्च लगल लगत, जिन दिन हो जाए ब्याह सो तुम्हें भी समझ में आ जाए। हमें नहीं समझ नहीं कछु, भाई तुमने खा ली रोटी? बड़ी देर में खबर आई भाई की भाई ने रोटी खाई के नहीं खाई। चलो शुक्र है भगवान को खबर आई तो। का मतलब है तू रो? मतलब जो कि तुम बड़े भज्जा में इतने बीत गए कि तुम्हें अपनी बाई की खबर नन्या के उनने रोटी खाई के नहीं खाई। भज्जा उनको तो मिल गई है लोगाई, मनो तुम्हारा एक ही सहारो है तुम्हारी मताई। सूदी सूदी क्या दे भज्जा जो कछु के ने जलेबी गाय का घुमारा बात को। ए बड़े भज्जा हम तो सूदी सूदी कह रहे हैं, अब जो उनकी समझ में आ जाए। ए चपरे तू, भाई तुमने रोटी खाई क्या नहीं खाई भाई? ए भज्जा ज्यादा नहीं हिलाओ, दिन भर टीवी में वो रामदेव बाबा को देखत रहे थे, सो हो सकत कोनो योगासन कर रही हूँ। ए बड़े भज्जा भी कोनू रामदेव बाबा को आसन नहीं कर रही, वे अनशन पे बैठी है। अनशन? कैसो अनशन? अनशन याने अन्न त्याग निराहार, बुआ ने अन्न जल सब त्याग दो है। अच्छा मतलब बाई कौन व्रत कर रही हुई है, चलो ठीक है तो हम फरार बनवा दे रहे। ए सरिता बाई के लाने फरार बनवा दीजो। रेंदी ने हमारा कोई व्रत है ने उपास है ने हमें फरार करने आए। तो भाई ऐसी कौन सी बात हो गई कि तुमने अन्न जल त्याग दो? बड़े भज्जा हम बता रहे बुआ को अन्न जल त्याग वो काय भाव, सिर्फ एक कारण है तो के बुआ ने अन्न जल से आगो, और वो कारण है अपनी भौजी। का? हाओ, सरिता भौजी की वजह से बुआ ने खाना पीना छोड़ो है। मनो सरिता भौजी ने ऐसो का कर दो के बाई के लाने अन्न जल से आगने परो। सरिता 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 आखिरकार फसाद की जड़ सरिता ही क्यों बनी है? यदि सरिता ही गलत है तो बुलाओ सरिता के लाने, हम भी आज बता रहे हैं दूध को दूध और पानी को पानी कर दो, और अगर सरिता गलत निकली तो भज्जा को हाथ और उसकी पीठ। सरिता बस सरिता।
हजारो सासके को जो है तो दूसरो एपिसोड कैसा लगो आपकी लाने पहले नंबर तो कर दे कमेंट। और अब आगे के एपिसोड में देखो सरिता को कछु हो रहा हूँ के सरिता हमारा कछु कर रही है, तो अब तो तीसरा एपिसोड देख भी में पता चले। फिलहाल आपके लाने जो दूसरा एपिसोड कैसा लगो और पहलो नहीं देखो तो स्क्रीन पे चल रहा हो टच करो और जाके देखो। चलो मिल रहा है अपन तीसरे में। जयराम जी की।